हमने तो अपने देख ही लिया है। तो लेट्स क्रिएट आवर चाइल्डहुड मेमोरी ऑन आवर टेल्स। फर्स्ट स्टेप इज टू बफ द नेल्स। हमें बफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट हम स्केचिंग कर पाए एंड नेल्स के ऊपर ड्रॉ अच्छे से होगा। हमें नेल्स को अच्छे से बफ करना है। वंस नेल की शाइन निकल जाती है तो उसके ऊपर हम पेंसिल से ड्रॉ कर पाएंगे। इमेजिनेशन के लिए जो भी हम बना रहे हैं उसके लिए डिजाइन बना के रख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ रफ ड्रॉइंग सो कम्प्लीटली फाइन। अगर वो अच्छे से बना नहीं बना हम हमेशा इरेज कर सकते हैं। एज यू कैन सी देयर इज नो बेस। मैंने कोई बेस बना के नहीं रखा हुआ। दिस इज जस्ट अ रफ ड्रॉइंग फॉर एनी बिगनर। इट्स ऑलवेज बेटर कि मुझे जो भी बनाना है वो मैं अच्छे से पहले एक बार बना के देख लूँ। फिर उसके बाद मैं इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक लाइन ले रही हूँ फॉर स्माइल लाइन। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम योर सो टू मेक श्योर कि मेरा प्रोपोर्शन इक्वली डिवाइड हो दोनों बाजू से। अगेन वी आर मेकिंग अ कार्टून डिज़ाइन सो हर चीज़ परफेक्ट आना इतना ज़रूरी नहीं है। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो। वील टेक येलो कलर। वील मेक श्योर दैट वी आर अप्लाइंग अ थिन कोट फर्स्ट। आई ऑलवेज डू दिस एंड प्रिफर दिस। पहले ही मोटा लेयर लगाना प्रेफरेबल नहीं है। फर्स्ट लेयर इज डन। लेट्स मेक द आईज। लेट्स मेक सो लेट्स डू द बॉर्डरिंग नाउ। पहले मैं उसकी बॉर्डर बना रही हमारी लाइन क्रॉस हो गई। नो वरीज यू कंटिन्यू विद द ड्राइंग। जब तक ये क्योर नहीं है तब तक वी कैन एनी टाइम वाइप और वाइप इट ऑफ लेटर। लेट्स डू द सेकंड बॉर्डरिंग। बॉर्डरिंग शुड बी प्रिसाइज। एज यू कैन सी मैं एक ही जगह पे बार बार कंटिन्यूशन में स्ट्रोक्स नहीं कर रही हूँ। जितना हो सके हमें वन टाइम में स्ट्रोक्स लेने हैं। हमारा आर्ट इतना उठ के नहीं दिखेगा, उसमें स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। सो दिस इज द वन टाइम। आई विल डू सेकेंड टाइम इज वेल बट इसके पहले मैं इसे क्योर करूँगी। बिफोर क्योरिंग व्हाट आई विल डू इज आसपास जो भी लगा है उसे एसीटोन की मदद से वाइप ऑफ कर दूँगी। मैं एसीटोन की मदद से एज यू कैन सी बहुत हल्का सा दाग लगा। मैं एसीटोन की मदद से उसे वाइप ऑफ कर रही हूँ। Let's make the eyes now. You don't have to be so precise. It's okay because we are anyways going to do a black bordering. Let's make the teeth of it. मैं स्माइल लाइन के ऊपर और एक पॉपर लाइन घुमा रही हूँ।
प्रोडक्ट में रहती है, इसका बॉर्डर काफी अच्छा बने। ब्लू कलर ऑलरेडी बहुत डार्क कलर है, सो ब्लैक कलर की बॉर्डरिंग इतनी दिक्कत नहीं शायद आए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। दिखने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर मत ले लेना, नहीं तो वो आई बॉल कम एंड ईविल आई ज़्यादा दिखने लग जाएगा। हमें बस आईज को डेप्थ देनी है, जिसकी वजह से हम ब्लू आईज पे ब्लैक पाउडर कर रहे हैं। इफ यू फील इसके वजह से आईज बनाना डिफिकल्ट हो रही है, बॉर्डरिंग करना सर्कल में विच इज अ टास्क, आप इसे स्किप कर सकते हो। आपको बस बीच में एक डॉट डालना है, फिर ये आप डॉटिंग टूल की मदद से भी कर सकते हो और एल्स ऐसे भी कर सकते हो। नाउ आई मेक द आईब्रोज। नथिंग, बस 3 स्टैंडिंग लाइन्स।